नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। सौर ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। वही धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। ये तो हुई सौर ऊर्जा की ताकत, लेकिन सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को आमतौर पर सौर ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं। अक्सर इसके फायदे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात अखबारों में, टीवी में हम देखते रहते हैं। मगर यूपी वालों के लिए कल का दिन सौर ऊर्जा के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिर्जापुर में प्रदेश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी वालों के लिए तोहफा तो अब मिला है, लेकिन केंद्र सरकार लंबे समय से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और अब प्रदेश सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के कदम से कदम मिलाती दिख रही है। आज अपने स्टूडियो में इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भरत राज सिंह मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पर्यावरणविद और महानिदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। इसके अलावा सिद्धार्थ कलहंस जी, आप परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में, हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो भरत राज जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे ही करना चाहेंगे। जैसा कि हमने आप कल देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक यूपी वालों को तोहफा दिया है, उसके बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं शुरुआत में आप हमें ये बताएं कि आखिर ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात, जैसा हमने अपनी शुरुआत में की, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन क्या अब कुछ वाकई में व्यवहारिक तौर पर इसमें बदलाव आपको दिखाई पड़ रहा है? हम सौर ऊर्जा को अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं और इसका महत्व आखिर है क्या हमारे लिए? चलिए, मैं सभी श्रोताओं का नमस्कार करना चाहूंगा। मैं अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का प्रयास है सौर ऊर्जा के लिए, वो बहुत ही हितकर है देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। इसलिए कि हम उसमें से, अगर हम क्लीन एनर्जी जो सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है उसका उपयोग करेंगे, तो हमारे जलवायु परिवर्तन और जैसा कि आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग पर बड़ा इसका कंट्रोल होगा। तो इसके साथ ही हमारी एक पॉलिसी 2015 में अप्रैल में सौर ऊर्जा के उत्तर प्रदेश ने तैयार की थी, इनिशियल पॉलिसी थी। और मैं यहाँ पर सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, कि इस लखनऊ शहर में प्रथम सौर ऊर्जा का रूफटॉप प्लांट जो है 5 किलोवाट का मैंने ही लगवाया, और जनता को केवल मैसेज देने के लिए कि इससे लाभ क्या होते हैं। और 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तो पॉलिसी दिसंबर 2017 में परिवर्तित हुई है, उसमें तमाम परिवर्तन और किए गए और उसके लाभ भी बढ़ाए गए। प्रदेश सरकार ने 30,000 रुपए उसमें सौर ऊर्जा के लिए 5 किलोवाट पर और छूट दे दीजिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 30% दे रही है। तो मैं इसका लाभ के बारे में थोड़ा सा चर्चा लोगों को करूंगा, जिससे कि लोग जागृत हों और इस क्लीन एनर्जी जिसे कहते हैं, जो सौर ऊर्जा से हमें, आपने बताया कि मुख्यतः जो पावर एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको चर्चा में मुख्यतः सौर ऊर्जा से को ही लिया जा रहा है अभी फिलहाल। ये ठीक है, उसको तकनीकी दृष्टि से हम मान लेते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है कि हमारी इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन है वो 36% है और ट्रांसपोर्ट का करीब 34% है, तो इसी का मेजर योगदान है। इसमें अगर हम 5 किलोवाट का पहली पॉलिसी के हिसाब से लगा रहे थे तो उस समय 1,10,000 पर किलोवाट आता था। अच्छा। जो कि अब जो रिवाइज पॉलिसी हो गई है इसके तहत हमारे पास करीब 80,000 के आसपास ही है, 75,000 से 80,000। तो अब उस पर आप 30% रिबेट सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लीजिए, 30,000 रुपए 5 किलोवाट मतलब 6,000 और, तो अब तो पर प्रति किलोवाट 52,000 ही रुपए पड़ रहा है, जबकि आप इसको जोड़ेंगे तो 2,15,000 के करीब आपका 5 किलोवाट का आता है। हमने तो 4,15,000 से 20,000 रुपए में लगा। भरतराज जी, आपको यहाँ पर रुकिए, दरअसल इसको हमें और ज्यादा सरलता से समझने की जरूरत है, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा जब आए तब हमें कोशिश कीजिएगा समझाने की कि जो इसका महत्व है सौर ऊर्जा का वो आखिर क्यों है, हम क्यों इसको बढ़ावा दें और कैसे हम ये उम्मीद करें कि लोग इसे अपनाएंगे, अपनी परंपरागत जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको छोड़ के इसको विकल्प के तौर पे। सिद्धार्थ जी, हम आपके पास आते हैं, यही बात आपसे समझना चाहते हैं। शुरुआत हम चाहते हैं शुरुआत में ये बात कम से कम दर्शक समझ सके कि सौर ऊर्जा की बात तो हम लंबे समय से सुन रहे हैं। कल जो प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में उद्घाटन किया तो ये बहुत बड़ी बात है, तोहफा है हमारे लिए, लेकिन ये किस तरह से तोहफा है, आप अगर समझा पाए हमें कि क्या ये किस तरह से हमारे लिए तोहफा होगा सोलर प्लांट? देखिए दिलशाद जी,
सोलर प्लांट एक सबसे बड़ा तोहफा तो इस नजरिए से माना जा सकता है कि जो थर्मल एनर्जी है उस संसाधन पर निर्भर करती है जिसकी एक सीमा है, उपलब्धता की भी दिक्कत होती है, प्रदूषण के बारे थर्मल एनर्जी मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय जो हम लोग प्रयोग करते हैं बारे में अभी डॉक्टर बीआर सिंह जी ने बताया है कि कितना उसका प्रदूषण में योगदान है। जाहिर सी बात है कि कोयले से जो बिजली बनती है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम सबसे ज्यादा जो बिजली का उत्पादन है हम बहुत थोड़ा सा हमारे पास पन बिजली आती है। इसके अलावा हमारे पास 85% करीब बिजली जो है वो कोयले से पैदा होने वाली। ठीक है, आप देखिए केंद्र सरकार का पहले से एक मैंडेट है कि हम अपनी कुल एनर्जी जो जितना उपभोग करते हैं उसका 10% के करीब जो है वो हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को जो लक्ष्य दिया गया वो अभी तक उसके कई कारण हो सकते हैं वहां तक हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम उसका करीब 13-14% से ज्यादा हम उसका उत्पादन नहीं कर पाए। अच्छा, 15 में एक पॉलिसी बनती है, 15 के बाद भी कुछ काम शुरू हुआ और अभी 5 दिसंबर को कैबिनेट ने पास किया एक नई पॉलिसी बनती है। पॉलिसी ने 3 चीजों को छुआ। अच्छा, एक यूटिलिटी स्केल पे जो सोलर प्लांट लगे यानी कि वो सोलर प्लांट जो बिजली पैदा करके ग्रिड को सप्लाई कर दें जिससे कि देश प्रदेश भर में बिजली पहुंच जाए। दूसरा, वह सोलर इक्विपमेंट जो जैसे कि स्ट्रीट लाइट है, जैसे कि हमारा ये सोलर वाटर पंप है, या आप घर में एक लैंप जलाते हैं, इस तरह के तमाम सारे इक्विपमेंट आज बाजार में हैं वो। फिर एक पॉलिसी उसी में एक एक एक, एक, एक अंश है उसका रूफटॉप, जिसकी बात अभी डॉक्टर बीआर सिंह साहब कर रहे थे। रूफटॉप के साथ एक समस्या ये आती थी कि आपने रूफ में, वैसे इसकी जो न्यूनतम सीमा है कि बस आपको बहुत बड़े घर की जरूरत नहीं है, छोटे घर वाला 120 स्क्वायर फीट वाला यानी 14 गज का भी जिसके पास खाली जगह है खुली जगह उसी पे लगा ले। अब दिक्कत ये आती थी कि अगर आपने बड़े घर में एक आपने इन्वेस्टमेंट करके लगाया, आपके पास बिजली की खपत उतनी नहीं है, बाकी बिजली क्या हो, अब उस बिजली को भी आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, यह प्रावधान कर दिया गया तो आप एक तरीके से आप इससे इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। आप उस एक तो एनर्जी आपको ग्रीन एनर्जी मिल रही है, आप इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी सोलर पॉलिसी बनी और रूफटॉप में जो डॉक्टर बी आर सिंह जी ने बताया अभी कि केंद्र सरकार की ओर से जो अनुदान दिया जाने लगा जो 30% है अधिकतम संभवतः 30,000 रूपये, अब 90,000 का एक न्यूनतम जो आप लगाते हैं वो आप 60,000 रूपये का पड़ने लगा। तो आप क्या करते हैं कि आप इस इन्वेस्टमेंट के साथ तकरीबन एक जो यूनिट मानी जाती है 4-5 लोगों के परिवार की, आप 150 रूपये में आप बिजली महीने भर जलाइए और उसकी कॉस्ट करीब 150 रूपये महीने की आ रही है। तो ये सौर ऊर्जा का लाभ है कि अब आपको महंगी बिजली से निजात, स्वच्छ बिजली मिलेगी, पर्यावरण को आपका योगदान स्वच्छ आपको वातावरण भी मिलेगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा, और यदि आपके पास बड़ी जगह है थोड़ा आप अगर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उससे कुछ अर्निंग भी कमा सकते हैं। बहुत 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 अच्छे, बहुत विस्तार से समझा दिया, पूरी बात क्लियर हो गई हमको। लेकिन फिर भी हम भरतराज जी आपसे समझना चाहेंगे जो बात सिद्धार्थ जी ने कही, आप भी शुरू में वही बात कह रहे थे, अच्छाइयां तो इतनी है कि सुनने में लग रहा है कि बस आज ही हम जाएं और अपने घर में सोलर का पैनल हम भी लगा के ये काम शुरू कर दें। क्या वजह है भरतराज जी, आपका लंबा अनुभव है, क्यों नहीं इसको हमारे ज्यादातर लोग इसको स्वीकार कर पा रहे हैं? कुछ तो दिक्कतें होंगी, जो कारण होंगे उसके बारे में अगर आप बता सके तो। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसको जो स्वीकारता नहीं हो रही थी इसका मुख्य कारण था, पहले तो इसकी लागत ज्यादा थी, जो कि लागत अब एक एक्सपायर आ गई है जो कि आपके जो थर्मल पावर के हैं उसके आसपास आ गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गांव और देहा दो तरीके से इसको यूज करते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन का उपयोग वहां होता है जहां पावर आपको रेगुलर मिल रही है, तो पावर अगर रेगुलर मिल रही है और आपने सोलर प्लांट अपने छतों पर या कहीं भी लगा लिया है तो उसका उपयोग यह है कि उसमें बैटरी नहीं लगाना है, तो बैटरी का खर्चा सीधे बच जा रहा है। जो पावर जनरेट हो रही दिन में वो पावर अगर आपके कंजम्पशन से ज्यादा हो रही है तो सीधे नेट मीटरिंग
का सिस्टम यही है कि वो ग्रिड में चली जाती है। उस ग्रिड में जाने से एक तो सबसे अच्छी बात है कि वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं, उसका उपयोग अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो एक तो समाज का फायदा हुआ है, दूसरा आपने जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने अभी जिक्र किया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इसका एक तो जनरेशन करके आपको खुशी हो रही है कि मैं पावर जनरेट कर रहा हूँ, वो पैसा भी पैदा कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज है पैसा पैदा। अब पैसा पैदा करने का जिनकी कंजम्पशन कम है तो उनको देखिए, अगर वो 5 किलोवाट का पावर लिए हैं तो 5 तक उनको लगवा सकते हैं सोलर, तो इसका मतलब है कि वो 40-45% का लाभ हर हालत में उठा सकते हैं, क्योंकि रात में बिजली वो ग्रिड से ही लेंगे, दिन की बिजली उनकी एक्सेस होगी, उसको आप इवन रात में उपयोग करें फिर भी बचती है, तब भी आपको पैसा क्रेडिट हो जाएगा, तो एक सबसे बड़ा लाभ। अब रह गया कैसे देहात में ऑफलाइन इसका उपयोग कैसे बढ़ रहा, महत्वपूर्ण। देखिए देहात में बिजली वैसे भी 7-8 घंटे 14 घंटे कहीं कहीं 18 घंटे की योजना चली हुई है पूरे प्रदेश में, लेकिन जिस जगह बिजली का जब जरूरत है उस समय नहीं मिल रही है, डे में अगर नहीं मिल रही है, डे में अगर यहाँ शहरों में आ रही है तो उसका उपयोग वहां पर सिंचाई और इन सब का नहीं हो पाता। सोलर में सीधे सोलर पंप लगाइए और पानी वो देगा, सोलर पंप लगाइए तो उसमें कहीं आपको बैटरी लगाना नहीं है, घरों में लगा दीजिए बैटरी लगा दीजिए तो वो चार्ज हो जाएगी, रात में भी उपयोग कर लीजिए, तो इतनी बड़ी उपयोगिता है अब तो देहात में इसका उपयोग होने लगा लोगों में। अब रह गई बात थोड़ी सी, इसको जानकारी देखिए जो हमारी स्कीम है, अभी हम लोगों ने 100 गीगावाट माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है कि 2022 तक हम इसको पैदा करें। अच्छा। इसका मतलब है कि हम करीब 1,00,000 मेगावाट पैदा करें। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा देश है, देश का प्रदेश राज्य है जिसमें 22 करोड़ आबादी है, तो अब 130 और 22 का अनुपात अगर दे 1/6 तो यही है, तो अगर हम इसको चाहते तो पूरे हम एक केवल व्यवस्था, आज मैं यहां सभी को जानकारी देना चाहूंगा और इसमें शासन को और शासकीय लोगों को भी जानकारी देना चाहूंगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन थोड़ा सा हो जाए तो भी अगर हमारे यहाँ जैसे लखनऊ जैसे शहर है जिसका हम अभियान चला चुके हैं और 45 लाख लोग आसपास लखनऊ और लखनऊ के आसपास हैं, अगर एक परिवार में 4 ही लोग मानते हैं तो 11 लाख घर हैं और 2 किलोवाट केवल लगा ले 1,00,000 के आसपास खर्चा आता है तो वो एवरेज 2,500 मेगावाट होता है, और पूरा प्रदेश अगर लगा ले, यही तो हमने इतना बड़ा लाभ है और शुरुआत की, उस यही से शुरुआत ही करना चाह रहे थे। अच्छा हुआ जो आपने पूरी बात विस्तार से जिक्र कर दी। सिद्धार्थ जी, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम ये चाहते हैं कि हम वहीं पर फिर से लौट के आए, क्योंकि ये लोग ज्यादा समझना चाह रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री ने यूपी वालों को तोहफा दिया। ये जो हमने मिर्जापुर में लाया सोलर प्लांट लगाया है, आपके हिसाब से ये सोलर प्लांट अगर आप बता सके तो हमें किस तरह के फायदे पहुंचाएगा, कि क्या हमें जो आप खुद पैनल लगाने की बात चले घर पे, खुद क्या बिना खुद घर पे पैनल लगाए हमारे घर पे सोलर एनर्जी आ सकती है? देखिए घर का जो पैनल हम लगाएंगे उसका मूल उद्देश्य तो होगा कि हम अपने उपयोग की बिजली उससे ले लें। अब हमारी जो सोलर पॉलिसी है उसने हमें सुविधा दे दी है कि हमसे बची हुई बिजली यानी हमारे उपभोग से बची हुई बिजली उससे हम कुछ धनार्जन कर लें। कल जो ये मेगा, इसको मैं मेगा सोलर प्लांट कहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज तक इतना बड़ा प्लांट नहीं था। अभी हमारे इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें 46 MOU साइन हो गए थे, कई लोगों ने निवेश की इच्छा भी जताई, 63,000 करोड़ का बहुत सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो सोलर के क्षेत्र में आया है। बहुत सारी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट जनरेट किया इतने बड़े स्तर का, तो सोलर प्लांट लगाने के लिए लोग बड़ा खर्च आता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। आपने शुरुआत में ही बात कही कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रोड ब्लॉक है, तो ये जो 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा का प्लांट मिर्जापुर में आया, इसकी देखिए 2-3 अच्छाइयां बहुत हैं। एक, मिर्जापुर के पड़ोस में सोनभद्र है जिसे हम अपने यहाँ का ऊर्जांचल कहते हैं, लेकिन वहां सब थर्मल प्लांट हैं, वो बिजली बहुत पैदा होती है वहां पे, लेकिन आप देखते हैं कि वहां आए दिन कोल सप्लाई है, गीला कोयला आ रहा है,
तमाम दिक्कतों की वजह से वो होता है। सौर ऊर्जा के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, निर्बाध बिजली मिलेगी और ग्रिड से कनेक्टेड है, तो वो मिर्जापुर भर के लिए फायदा नहीं है। वो उस बिजली का लाभ हम लखनऊ में बैठे हुए हैं हमको तक मिल सकता है और मिलेगा, और वो बिजली दूर दूर तक जाएगी। और डॉक्टर बी आर सिंह जैसा कह रहे हैं कि अगर कोई रूफटॉप वाला जो इन्होंने बताया है अगर कहीं उसका एक जिसे कहते हैं ना अभियान चल जाए, तो हम तो सरप्लस बिजली पैदा करके हम तो अगल बगल के राज्यों को और बेचेंगे। जो हमारा सपना है कि हम पावर सरप्लस स्टेट हो जाना, जो कि लोगों को बड़ा मजाक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 75 मेगावाट देखिए इसने एक बड़ा माइलस्टोन जिसे कहते ना वो खड़ा कर दिया है कि भाई अब 75 मेगावाट का एक सोलर प्लांट है, अब इस जैसा कोई प्लांट आए। बहुत सारे हुए हैं 5 से 10 मेगावाट के, बहुत सारे वो हुए हैं। और हमारे देखिए केंद्र सरकार की जनरेशन इंसेंटिव स्कीम है, इसके अलावा अभी हमारी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में सोलर पार्क के लिए बहुत सारे इंसेंटिव हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है इसने, हम सोलर के रास्ते पर दौड़ तो रहे थे, हमने शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसने हमको एक बूस्टर जिसे कहते हैं वो बूस्टर दिया है कि अब और तेजी से कितनी जल्दी हम हमारे यहाँ फिर प्रधानमंत्री आए और किसी एक और बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कर दें। तो मिर्जापुर जो है जिसे कहते हैं ना कि नींव के पत्थर को एक माइलस्टोन साबित होगा निश्चित तौर पर, और उसमें भी फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी थी, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं मैसेज गया। और सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बल्कि विश्व इसको देख रहा होगा। भरत राज जी आपके पास आते हैं, चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आपने लखनऊ का जिक्र किया था, हम आपसे यहीं पर आना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि जो आप ये बात कर रहे थे, क्योंकि सौर ऊर्जा की जो बात है हमने अभी जो चर्चा शुरुआत की, हम बिजली पर ही सीमित हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या खाली ये बिजली की बात तो नहीं है, सूर्य के पास तो वो ताकत है, हम सूर्य को नमस्कार ऐसे तो नहीं करते, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो जो इसकी और ताकतें हैं सौर ऊर्जा की, आपके हिसाब से बिजली के अलावा हम कहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या इसको लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? उदाहरण में जोड़ दूं, फिर आप बात रखिएगा, जैसे हम देखते हैं शहरों में ई रिक्शा चलता है, वो खूब फंकी हो रहा है, खूब चल रहा है, क्या भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि सोलर एनर्जी से चलने वाली चीजें हमको लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में मिल सके? ये बिल्कुल ही आप सही बात बता रहे हैं दिलसाद जी, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए विश्व ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि पूरे विश्व में हलचल पर्यावरण के और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, पूरा विश्व इस ग्रसित है, और आने वाला समय भी बहुत ही ऐसा होने वाला है कि कहीं न कहीं ये विस्फोटक स्थिति ले लेगा। तो इसमें हमें टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी में हर एक जगह टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, जो ऊर्जा हमें क्लीन ऊर्जा जिसे क्लीन एंड ग्रीन ऊर्जा है उसका उपयोग मैक्सिमम करना पड़ेगा। रही बात जैसे ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट अकेले मैंने कहा 34% इसी का कंट्रीब्यूशन है पर्यावरण पैदा करने, अगर हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को सौर ऊर्जा से लगा दें, जैसे अभी आप ई रिक्शा की बात की, ये तो एक शुरुआत है, सारी गाड़ियां बदल जानी चाहिए, सारे बसेस बदल जाने चाहिए, इवन हमारे यहां तक की होना चाहिए कि ट्रेन हमें छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बे बने और उससे सौर ऊर्जा से चले, हमें टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज देश की ये मांग है, पूरे विश्व की मांग है कि हम सौर ऊर्जा को केवल ये वोल्टाइक जो सेल से ना जोड़ें, उसको तो हमारी टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रहा है, पेंट लगा दीजिए तब भी फोटोवोल्टाइक वहां से करंट पैदा होने लगी, ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हो रहा है। तो एक समय ये आएगा, हम गाड़ियों पर केवल पेंट लगा देंगे, उसमें से सोलर एनर्जी के द्वारा वो चलने लगेगी, ये स्थिति आने वाली। इसी तरीके से जितने हमारे इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री रूप पर अगर सोलर लगा दिया या बगल में लगा दिया, खाली जगह पर लगा दिया, तो सारी चीजें आपकी उससे चलने लगेगी, तो इंडस्ट्री का भी जितना ये कंट्रीब्यूशन वो भी कम हो जाएगा पर्यावरण का। तो एक तरीके से जो हमारे जलवायु को संरक्षित करने का दो ही उपाय है, दो ही चीज है, नेचर में पेड़ पौधे दे रखे हैं, जो कार्बन होता है वो अवशोषण करता है, दूसरा है कि हम क्लीन एनर्जी का उपयोग करें। तो ये इससे तो बेस्ट और कोई चीज हो ही नहीं सकती कि टेक्नोलॉजी अगर हम जितना फास्ट ग्रो करेंगे, आने वाली फ्लीट हमारी सारी यही होगी, हमें सब बंद कर देना चाहिए डीजल, जो हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं कि कोयला, जिसे कहते हैं डीजल और पेट्रोल, ये सारी चीज दोहन आप पृथ्वी से कर रहे हैं, जबकि हमारे पौराणिक उसमें कभी पृथ्वी से कोई चीज निकालने माता समझते थे, उससे तो कोई चीज निकाली ही नहीं जाती थी,
और आज हम उसी का दोहन कर रहे हैं और इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमें ये देखना है, देखिए दो तीन एरिया बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रदेश के लिए। हम अभी आते हैं, जैसे हमारे बुंदेलखंड है, वहां बेचारे भुखमरी से वहां फसलें नहीं होती, वहां पानी 35% भी वहां रेन होती ही नहीं है, 35% घट गई 55 से बिल्कुल 35, इस साल तो और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर वहां पर सारे प्लांट, जैसे अभी मिर्जापुर पहाड़ी इलाका है, अगर 75 किलोवाट का फ्रांस के उससे लगा है, मेगावाट 536 करोड़ लगा है, गवर्नमेंट ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। इसी टाइप से अगर हमें बुंदेलखंड पूरे जितना बांदा है, झांसी है, ललितपुर है, सारे मिला करके चित्रकूट है, उस एरिया में जो ऐसी बंजर जमीनें, जो पहाड़ी पथरीली जमीनें हैं, इस पर अगर लगा दें तो पूरे प्रदेश के आज दूसरे हम और प्रदेश को देंगे और पूरे यही नहीं, भारतवर्ष ऐसा देश हो जाएगा कि अगल बगल के देशों को भी पावर जनरेट करके देगा। ठीक है भरत राज जी, सिद्धार्थ जी, भरत राज जी जो हैं वो वैज्ञानिक रहे हैं, जाहिर सी बात उनका लंबा अनुभव है, वो जो जवाब दे रहे हैं साथ में इमोशन भी जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं आपके पास आएं और उसी सवाल को, हम उसी सवाल पे लौटेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात, क्या बिजली के अलावा कुछ और हमारे पास विकल्प हैं कि हम सौर ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकें उन विकल्पों के रूप में, बिजली के अलावा हटके? नहीं देखिए, सौर ऊर्जा से चलने वाली मोटर व्हीकल का प्रयोग हमारे भारत में शुरू हुआ और एक कंपनी ने बनाना भी शुरू किया है और अभी एक मॉडल उनका लॉन्च भी हुआ है। देखिए सरकार ने कुछ कदम जो उठाए हैं, देर से सही, लेकिन अब कदम जो उठाने शुरू कर दिए। अभी आपने ई रिक्शा की बात की, ई रिक्शा भी आप जानते हैं कि बैटरी से चलता है, बैटरी को चार्ज कौन करता है? बिजली करती है। बिजली हमारे पास थर्मल बिजली है। अब ये भी यहां पर एक बड़ी बहस है कि कॉमर्शियल चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, मतलब जो बिजली चार्ज करेगा ई रिक्शा का वो कॉमर्शियल पेमेंट करेगा। तो एक पहल सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव ये भी तैयार हुआ है कि चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए जो सोलर चार्जिंग स्टेशन हो, कि जहां पर बैटरी आप दे देंगे, एक रिप्लेसमेंट में बैटरी आपको मिल जाएगी, आप लेके चल देंगे और वो बैटरी सोलर उससे चार्ज होगी तो थर्मल वो नहीं लगेगा। इसके अलावा अभी बुंदेलखंड पूर्वांचल के लिए जो हमारी सौर ऊर्जा नीति आई है, इसमें इंसेंटिव दिए गए हैं, विशेष उसमें है कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का एक तिहाई कॉस्ट जो है वो सरकार वहन करेगी। 15 किलोमीटर तक अगर आपको बिछाना है ट्रांसमिशन की लाइन अपने सौर ऊर्जा संयंत्र से ग्रिड तक पहुंचाने के लिए, अच्छा जो हमारे यहाँ अभी इन्वेस्टर समिट हुआ इसमें 2 दर्जन के करीब जो सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने के प्रस्ताव आए, उसमें 2 दर्जन जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में सनलाइट का एक अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो वहां के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में कंपनियों की भी रुचि है, क्योंकि जो निजी कंपनियां हैं उनकी भी रुचि इसलिए भी होती है कि जहां उनको रॉ मेटेरियल है सनलाइट तो वो होगा। नहरों की जो खाली जमीन है, नहरों के ऊपर जो है वहां पर लगाने का प्रावधान इस हमारी सौर ऊर्जा नीति में किया गया है। तो जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से गाड़ी पटरी पर दौड़ गई है, मुझे लगता है ये जो अब आप कुछ समय पहले एक अगर आप सोलर इक्विपमेंट लेना चाहते थे कि कोई लाइट हो जो सोलर से जले, तो हमें नेडा के पास जाना पड़ता था। अब निजी क्षेत्र की कंपनियां भी अपने आप बना रही हैं और उन्हें मार्केट में ला रही हैं और उनकी डिमांड भी, ये बदलाव, ये लगातार बदलाव है। सभी समय का हम चाह रहे जल्दी आगे बढ़ लें। भरत राज जी, जो बात अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, इससे तो साफ जाहिर होता है कि हमारे सामने 2 चुनौती। एक तो चुनौती ये कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट की स्थापना करें या अपने घरों के रूफटॉप लगाएं। दूसरी चुनौती ये है कि हम लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी करें कि वो इसका इस्तेमाल करें। क्या ये दोनों ही चुनौतियां हमारे लिए? अब मैं थोड़ा सा बड़ी यहां पर आपके सम्मुख खुशी भी जाहिर करूंगा कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं। इसी लखनऊ शहर में करीब करीब 700 लोगों ने रूफटॉप लगाया, बहुत से लोग तैयार हैं, जैसा आपने बताया कि ऐसी ऐसी जगह जहां उनकी खेत बंजर के रूप में ऊसर हैं, वो सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं, एक एक मेगावाट के लगाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जन जागृत करने की जरूरत है। हम लोग लगे हुए हैं, हम अपने कॉलेज की ही बात बता दें, 40 किलोवाट का तो हमारे कॉलेज में लग चुका है
और सारे कॉलेजेस स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने प्रस्ताव पहले भेजा, भारत सरकार ने इसकी मान्यता दी है और सारी जगह एक रूफटॉप पे लगा दिया जाए। इवन ऑफिसेज आप देख लीजिए ना, यहीं पर देख लीजिए ऑफिसेज आपका कलेक्ट्रेट में लग गया है, यहीं देखिए रेलवे वालों ने लगा दिया है। ये तो सारी चीजें ये तो इतनी उपयोगी हो रही है, आने वाला समय जैसा अभी आपने भी बताया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कि कुछ चीजें ऐसी हैं अभी हम लोग टेकअप नहीं किए। बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे आपको बताएं कि ये नहर का है, नहर शारदा के नहर ही ले लीजिए, आपके कितने किलो विषय हम आपको बुलाते रहेंगे, आप आते रहते हैं, लेकिन असल में ये प्रधानमंत्री जो दृढ़ इच्छा है और लगातार इस पे काम करना, पेरिस जलवायु कोशिशें, उन्हीं सबका नतीजा। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमें स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई सरकार की ये कोशिश है कि हर शहर, हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचे। जाहिर है इसके लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक ऊर्जा का साधन तो अपनाना ही पड़ेगा, और ऐसे में जो सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अपनाई जा रही है, इसकी खासियत यह है कि इससे न सिर्फ सस्ती बिजली मिलेगी बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी काफी मुफीद है। बहरहाल हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।